हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो कि है बीपीसीएल, जिसको हम भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, कि क्या इन स्टॉक्स में या फिर इवन क्या कहे कि पेट्रोलियम कंपनीज में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए, उससे पहले एक जानकारी है कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर डेली बेसिस पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, आप उसका सदुपयोग उठा सकते हैं। जैसे कि हमने टाइटन, टेक महिंद्रा बहुत सारे कॉल्स दिए थे, ठीक है, तो वो पास हुए, इवन तो सारे के सारे टारगेट्स भी आ गए, तो आप वहाँ पर उसका सदुपयोग उठा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कराते हैं जरूरदा या अपस्टॉक में, तो फिर हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीपीसीएल। सबसे पहली बात है कि तो ये जो रुपी का इम्पैक्ट है वो, और जो क्रूड के जो भाव बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो, साथ ही साथ जो सरकार ने सब्सिडी, जो इनको एक रुपये का एडिशनल बर्डन आया है रेट कम करने के चक्कर में, क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट ने जो रेट कम किया है उसका कुछ इम्पैक्ट मोदी गवर्नमेंट, मतलब हमारे भारत देश की सरकार वहन करेगी, और कुछ हम इन कंपनियों को बेयर करना पड़ेगा, जिसके चलते ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा वॉल्यूम्स में, जो आपको यहाँ पर खतरनाक सा जो 50 मिलियन शेयर्स का जो ट्रेड दिखा है आपको, ये इसी कारण हुआ, मतलब लगभग लगभग 55 लाख में। मतलब क्या करना चाहिए वो हम सिंपल और सीधे शब्दों में समझे कि ऐसी कंपनियाँ जो पहले और आज तक बहुत अच्छा डिविडेंड इल देती है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो जब चाहे जब घूम सकती है, मतलब ऐसा नहीं है, देखिए आप यहाँ पर भी देखिए 324 से शेयर 367 यानी 40 रुपये कितनी बार घूम गया। इवन तो इस स्टॉक को मैंने कितनी बार अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को निवेश करने के लिए बताया कि भैया स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, और बहुत सारे टारगेट्स बहुत बार आए, ठीक है। बट अब क्या कर सकते हैं, अब हमें सिंपल डे वे छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी जाकर देख लीजिए, आपको यहाँ पर सारे सपोर्ट लेवल जो है वो टूटे हुए मिलेंगे। बट सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक मंथली चार्ट पर जाने की कोशिश करता हूँ, और मंथली चार्ट पर आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज जो ये स्टॉक है आपको किस भाव पर मिल रहा है। वो स्टॉक आपको मिल रहा है करीबन 2008 के भाव में, ये मान लीजिए 2008 में ये भाव हुआ कर सकता था, 206 रुपये का लो था, मतलब उस समय का लो था। और अगर आप आज कल का भी लो देखेंगे तो जो कल का लो है वो है 238 रुपये का, मतलब हम कहेंगे कि अमूमन यही भाव से, और ये भाव से जब ये देखिए आप घूमा है मंथली चार्ट पर, तो 1000 रुपये तक का भी हाई यहाँ पर आप देखेंगे, ये 1156 बाद में स्प्लिट हुआ और बाद में इसका भाव आया। तो इस तरीके से अगर ये कंपनी है, देखिए यहाँ पर भी आप देखिए कि ये देखिए 206 रुपये से लेके ये स्टॉक घुमा था, 840 रुपये तक गया, देन फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ये जो भी भाव स्प्लिट के होते हैं, और तो इसके चलते, तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, तो आप कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपने जानकार से जरूर सलाह लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि एक मंच जो इन चीज़ों में मोस्टली डील करते हैं, या फिर जो जिनके जिनका एक्सपीरियंस अगर आपको लगता है कि नहीं वो मुझे प्रॉपर ढंग से गाइड कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। बट इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो कि हमें, आप देखेंगे कि कितने दिन पहले ये स्टॉक आपको कितने रुपए में मिल रहा था और आज क्या रुपए में मिल रहा है, सिर्फ 2 दिन में, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर बाउंस बैक आएगा ना तो बहुत तेज आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए कि 383 रुपये का जो हाई था वो पिछले दिन था, मतलब गुरुवार को, और आप अगले दिन देखिए 200-250, यानी करीबन आप समझिए कि अगर 390 रुपये के हाई से अगर हम इसको कंसीडर करें, तो करीबन ये 100-150 रुपये ने 40% की मंदी इस स्टॉक में लगभग आ चुकी है। तो क्या 40% अगर एक दिन घूम रहा है, एक दिन में या 2 दिन में घूम रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा? जा सकता है दोस्तों, और अच्छे खासे, जैसे कि मैंने यस बैंक भी आप लोगों को बताया था, इवन तो मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि 183 रुपीज के भाव पर भी इन्वेस्ट कर सकते, और आपने देखा होगा कि वो 222 रुपये का हाई उन्होंने गुरुवार के दिन या किसी दिन, तो 2 दिन पहले मारा था, तो वो भी हम देखेंगे। बट अगर आपको लगता है दोस्तों, तो इस कंपनी में ये डिविडेंड अच्छा देती है, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को ये लेगेसी के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, अच्छे खासे शेयर दोस्तों, भारत रत्न कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है महारत्न कंपनियां हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि हमें आज उड़ियों के दामों में मिल रही है, तो हम उसका सदुपयोग उठा सकते हैं। और जो हम 400 रुपये के भाव में खरीदने के इच्छुक थे, तो क्या आज हम उसे 200 या आधी कीमत पर नहीं खरीद सकते? खरीद सकते, और शेयर मार्केट कभी बंद होने वाला नहीं है दोस्तों। तो
इस तरीके से अगर आपको लगता है तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो कंपनियां हैं कोड़ियों के दामों में मिल रही है। देखिए अब हम देखेंगे कि 163 रुपीज के आसपास गया था, 183, ये देखिए आप परसों का भाव देख लीजिए, 222 रुपये परसों मतलब बुधवार के दिन का जो भाव था वो देखिए 222.95 रुपीज़। दोस्तों ये कोई कम प्राइस होता है क्या? 167 रुपये से आप ये घूमता हुआ मिला, थोड़ा सा कल के दिन में मंदी आई बट इतना तेज फिर भी गिरावट नहीं हुआ, और अभी भी ये स्टॉक 200 के लेवल को नीचे नहीं तोड़ा है। अगर नहीं तोड़ेगा दोस्तों तो वापस हम 250-222 वापस देखने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मुझे और आपका सहयोग और आपका मुझे सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चाहे तो अपस्टॉक ज़रूरदा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और हम आपको ज़रूर बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे सिखाने की, ताकि आप हमेशा कमा सकें। क्योंकि आपने अगर मेरे कॉल देखे होंगे क्रूड कमोडिटी में, जो भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली 80-85% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वह सक्सेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ मंगलमय हो।